हाई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ओन चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूँ अमनदीप कौर संगा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम जानेंगे वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ वेरी। जी हाँ, वेरी की जगह हम और कौन से अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं एशियंट और आउटडेटेड। सेकेंड वर्ड है वेरी क्विक। वेरी क्विक का मतलब बहुत जल्दी। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो रैपिड और स्पीडी। नंबर 3 इज वेरी सीरियस। वेरी सीरियस मीन्स बहुत गंभीर। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो ग्रेव और रेजोल्यूट। नंबर 4 इज वेरी नोइजी। इट मीन्स बहुत ज़्यादा शोर होना। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो डेफनिंग और राउडी। नंबर 5 इज वेरी शाइनी, यानी कि बहुत चमकदार। इसकी जगह यूज़ कर सकते हो लस्ट्रस और ग्लीमिंग। नंबर 6 इज वेरी शॉर्ट, यानी कि बहुत ही छोटा, जिसको हम कह सकते हैं ब्रीफ और प्रिसाइज। नंबर 7 इज वेरी पुअर, मीन्स बहुत गरीब। यू कैन यूज डेस्टिट्यूट और ब्रोक इंस्टेड ऑफ वेरी पुअर। नंबर 8 इज वेरी ओपन, यानी कि सब कुछ साफ साफ दिखना या समझ आना। आप इसकी जगह यूज कर सकते हो ट्रांसपेरेंट और क्लियर। नंबर 9 इज वेरी क्यूट। आप इसकी जगह यूज कर सकते हो अडोरेबल और डेंटी। नंबर 10 इज वेरी रेनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना। यू कैन यूज पोरिंग और टोरेंशियल। नंबर 11 इज वेरी रिच, यानी कि बहुत अमीर। यू कैन यूज वेल ऑफ और अफ्लुएंट इंस्टेड ऑफ वेरी रिच। नंबर 12 इज वेरी डेंजरस, यानी कि बहुत खतरनाक। आप लगा सकते हो पेरिलस और फॉर्मिडेबल। नंबर 13 इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सुंदर। यू कैन यूज प्रेटी और गॉर्जियस। नंबर 14 इज वेरी स्केयर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ। यू कैन यूज टेरिफाइड और पेट्रीफाइड इंस्टेड ऑफ वेरी स्केयर्ड। नंबर 15 इज वेरी पेल, यानी कि पीला पड़ जाना, कमज़ोर हो जाना। यू कैन यूज एनेमिक और एशन इंस्टेड ऑफ वेरी पेल। नंबर 16 इज वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा। यू कैन यूज मैसिव और जायंट इंस्टेड ऑफ वेरी बिग। नंबर 17 इज वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में। आप उसकी जगह यूज कर सकते हो आउटरेजियस और फ्यूरियस। नंबर 18 इज वेरी बैड, यानी कि बहुत बुरा। यू कैन यूज ऑफुल और अनएक्सेप्टेबल इंस्टेड ऑफ वेरी बैड। नंबर 19 इज वेरी पेनफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होना। यू कैन यूज एक्सक्रूशिएटिंग और हर्टिंग इंस्टेड ऑफ वेरी पेनफुल। नंबर 20 इज वेरी बिजी, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यस्त होना। यू कैन यूज ऑक्यूपाइड और स्नोड अंडर इन प्लेस ऑफ वेरी बिजी। नंबर 21 इज वेरी शार्प, यानी कि बहुत तेज। यू कैन यूज कीन और एक्यूट इंस्टेड ऑफ वेरी शार्प। नंबर 22 इज वेरी फैट, यानी कि बहुत मोटा या मोटी। यू कैन यूज ओबीज और ओवरवेट। नंबर 23 इज वेरी इजी, बहुत आसान। आप यूज कर सकते हो एफर्टलेस और रूडिमेंटल। नंबर 24 इज वेरी सैड, यानी कि बहुत दुखी। आप लगा सकते हो सोरोफुल या डिजेक्टेड बजाय की वेरी सैड। नंबर 25 इज वेरी शाई, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मीला होना। यू कैन यूज टिमिड और शीपिश इन प्लेस ऑफ वेरी शाई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 25 पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वेरी। वेरी की जगह हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो।
कल मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज ब्यूटीफुल.